तुम्ही कुठून आले? सुरतहून? सुरत कुठलं आपलं? गुजरात? सुरत कसे आले तुम्ही? कशा पद्धतीने प्रवास केलाय? पायदल आले, गाडी मोटर भेटली, कोण बस आले तर बसून गेले, तिथं नाही भेटलं तर पायदल आले. आणि राहणार कुठले तुम्ही? नेरी कुठलं आपलं? जामनेर मधलं? नेरी पासून गाडेगाव. सुप्रीम. आता कुठे जाता तुम्ही? आमच्या घरी चालले आता आम्ही. तुम्हाला काही वाहन वगैरे असे भेटले ना तिथून इथपर्यंत यायला? भेटलं. तुमची जेवणाची वगैरे सोय कशी आली? रस्त्यानं मदत मिळत गेली. एक माणूस कशी आधार आहे. तिथं काय करायचं सुरतला? कामधंदा? किती लोक तुम्ही एकूण? 10 लोक. जास्तीत जास्त अंतर तुम्ही पायी चालून आले का? तुम्ही प्रशासनाला वगैरे काही विनंती करणार का? प्रशासनाला, सरकारला काही मदत वगैरे? सगळं जीवा छान होऊन राहिलं रे दादा, काय सांगायला नव्हता. तिकडे काम धंदा बंद झालं, खायची मुसीबत आली, रूम भाडावाला भाडा मागे, सारी भाजीपाल्यांचं रेट वाढून गेले, चालले आले मग. नाव काय दादा तुमचं? राजमल राठोर. दादा कैसे सफर किया आप लोग? दो तीन किलोमीटर पे गाड़ी मिल जाती, चक्कर जिक्कर मिल जाता है, मिल सकते हैं. ट्रेनें बंद है, बस बंद है, तो बहुत कठिनाई होगी आप लोगों को. 4-5 दिन लग गया. 4-5 दिन लग गया. कितने लोग हैं आप लोग? और रहने वाले कहाँ के हों? रहने वाले अलग अलग हैं. हम जलगांव के हैं, चंदन के पास है, ले रही हूँ ना सब. हम इधर रहते हैं. तो ये सभी अपने जो खानदेश आसपास के परिसर के लोग सब मिल के आए हैं? हाँ, मिल के आए इधर से. वहाँ पे क्या काम धंधा करने के? तो सब बंद हो गया, खाने का मजबूरी आ गई अभी. सब काम बंद हो गया. सभी लोग मजदूर है. और वहाँ के क्या हालत है उधर सूरत में? मतलब जो अपने तरफ के लोग गए खानदेश के, जलगांव जिले के, बुरहानपुर के, बहुत बेकार हालत है. गाड़ी वाला लेके आया, फिर वहाँ से पैदल चलने लगे रात में. सुबह सुबह गाड़ी वाला मिला, बिठाया, 5-1 किलोमीटर लाया, पैदल चलने लगे. आप कहाँ क्यों? मैं एमपी बुरहानपुर. एमपी बुरहानपुर. आप भैया? मैं पूरा काकोड़ा मुक्ति नगर. पूरे परिवार के साथ हो? हाँ. आपके घर में? आप कहाँ क्यों भाई? कहाँ पर आए? पूरा काकोड़ा. पूरा काकोड़ा मुक्ति नगर. और अभी अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी सिविल हॉस्पिटल. वहाँ क्या करेंगे? चेकअप करना पड़ता है. अभी जरा है तो हम लोग जा रहे हैं, हम उधर से आए हैं गांव में, तो थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं हमारा क्या है नहीं है. आप जैसे भी देखिए, जैसे जिला प्रशासन है या माय बाप सरकार है, इन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मांग करना चाहेंगे आप लोग, बोलना चाहेंगे, कुछ मदद मांगेंगे आप इनसे, प्रशासन से? मदद तो चाहिए. अभी क्या काम धंधा सब बंद है, तो बता लगे हम सब दिन भर काम करते, शाम को लाते हैं, सब मजदूर करने वाला लोग दिन भर काम करके. अभी 8 दिन करने वाला है, 6 दिन हो गए यहाँ बंद हो गए. क्या खाएंगे 4-5 दिन? सब रेट बढ़ गया. 1-1 दिन तक क्या करते हैं? 1-1 दिन तक तो मर जाते वापिस. हम खाने को नहीं है तो क्या, सब रेट बढ़ा दिया. भाजी सब्जी का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बन गया, कहाँ से लाएंगे? तो निकले फिर सब कुछ हम लोग का, तो काम करेगा तो खाएगा, ऐसा है. और आपके जैसे कितने लोग हैं वहाँ पे जो इधर से खानदेश से या इधर से आए अपने जलगांव? लोग आ रहे हैं सब, लाखों लोग सब पैदल आ रहे हैं. सब पैदल में आ रहे हैं? पैदल में आ रहे हैं सब. वो लोग भी आ रहे हैं हमसे जैसे. लेकिन जो पुलिस प्रशासन है ना, वो हमको बहुत मदद बहुत मदद कर रहे हैं. बहुत मदद. अच्छी बात है. खाना अच्छी बात है. तकलीफ में खाना दिया, बिस्किट दिया, और बस वाले को रुका के हमको बैठाया, ट्रक वाले को रुका के.
हम सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अलग अलग संकटों से जूझते हुए ये लोग जो खानदेश के हैं, बुरहानपुर से है, काफ़ी दूर से आए हैं, अपने अपने गांव लौट रहे हैं, जहां पर वाहन मिला वहां पर वाहन में बैठ गए, लेकिन अधिकतर समय इन लोगों ने पैदल ही अपना सफ़र किया है, अलग अलग संकटों को पार किया। लेकिन एक बड़ी बात जो इनके मुँह से सुनने को मिली, इनकी आप बीती, इनकी हकीकत, कि पुलिस प्रशासन और सामान्य लोगों ने समय समय पे जगह जगह पे इनको बहुत मदद की, खाना खाने को दिया है, पानी पीने को दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गोद में है, दूध पीते बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनकी भी सहायता की है, तब जाके ये लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम प्रशासन से, तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कर ही रहा है, लेकिन सर्वसामान्य लोगों को कहना चाहते हैं कि आज संकट के इस घड़ी में, जब वैश्विक संकट बीमारी आ गई है, तब हम सभी मानव बन के, सही मायनों में मानव बन के एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सहायता करें। और अगर आपके शहर में से, गांव में से भी कोई ऐसे व्यक्ति जा रहे हैं, जिस तरह से परिवार अपने अपने घर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आपको जहां भी दिखते हैं उन्हें खाना दीजिए, उन्हें पानी दीजिए, उन्हें मानसिक आधार दीजिए, और उन्हें बताइए कि आप भी हमारी तरह भारतीय हो, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जहाँ जहाँ भी आपको संभव हो, जिस तरह से भी आपको संभव हो, इनकी मदद अवश्य करें। धन्यवाद। इंडिया 365 चैनल के लिए अयाज मोहसिन जलगांव से।